हजार 499 लोगों की टीम होगी। जिन लीडर्स को मैं स्टेज में बुलाना चाह रहा हूँ उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, इस बिजनेस में आने से पहले वो एक इंश्योरेंस कंपनी में बहुत ज़बरदस्त पैकेज में थे, बहुत अच्छे लेवल पे थे, वाइस प्रेसिडेंट उनका लेवल था और लाखों की उनकी सैलरी थी महीने की। और वहाँ पे सर का जो प्रोफाइल था वो था ट्रेनर का, जो ट्रेनिंग दिया करते थे लोगों को। और उस ट्रेनिंग के दौरान जब उनसे इंटरेक्शन हुआ तो जब मैं बिजनेस में आया, मुझे बिजनेस में लाने वाले भी सर ही हैं और सर का नाम है मिस्टर जयप्रकाश। मैं चाहता हूँ पहले जोरदार तालियां सर के लिए। सर, आप इस बिजनेस में, आप कितनी अच्छी सैलरी है, इतने अच्छे लेवल पे आप हैं, तो इस बिजनेस में क्यों है? तो उन्होंने बताया कि यार मैं दूसरों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, दूसरों को ट्रेन कर रहा हूँ और आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ। वो जो दूसरों को ट्रेनिंग दे रहे थे और दूसरों के सपने वहाँ पूरे हो पा रहे नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आज इस टीम को वो अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं और आज हम बहुत सारे लोग उन्हीं की टीम के हैं जो यहाँ पे बैठे हैं और हम सबको वो गाइड कर रहे हैं और दिशा दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे दोबारा जब मिस्टर जयप्रकाश सर स्टेज में आए और जोरदार तालियां सर की। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। पहली बार कौन कौन आए? आप हाथ खड़ा करते हैं। आप जैसा कि बहुत लोग आपसे पूछ चुके हैं कि आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। देखिए, मैं अगर अपना करियर बताऊं, मैंने भी 16-17 साल जॉब करी है, 2 साल अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाया हूँ और समझ में आ गया था कि करने से आता है और नहीं करने से नहीं आता। हम करेंगे तो आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। और हम अगर कुछ भी बड़ा करना है तो उसके लिए टीम बनानी पड़ती है। हम अभी उतना कमा रहे हैं जितना दोनों हाथ से कमा सकते हैं और अगर हमें ज़्यादा कमाना हो तो काम करने वाले हाथ बढ़ाने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता जिससे आप काम करने वाले हाथ बढ़ा दें, क्योंकि ना तो आप किसी को सैलरी दे रहे हो यहाँ पर, आप साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर टीम का हिस्सा है। क्या मैं किसी को सैलरी दे रहा हूँ? या मैंने किसी को कॉल करके बोला कि यहाँ पर ज़रूर आना? सबके पास इन्फॉर्मेशन पहुँची है तो यहाँ आ गए, सब लोग अपना सपना पूरा करने आ रहे होंगे। तो ना तो यहाँ पे दुकान का शटर कोई ऊपर करने की ज़रूरत है, ना कोई बियर उत्पत्ति करने की ज़रूरत है, ना किसी का माल पहुँचाना है, ना कोई अकाउंटेंट रखना है, ना कोई कोरियर बॉय रखना है। हम एक चलती हुई दुकान का हिस्सा है और वो चलती हुई दुकान का नाम है सेफ शॉप। और उसके लिए पहले भी जैसे विपिन जी ने बताया, मैं टीम बिल्डिंग का ही मेरा काम था, मैं सेल्स प्रोफाइल में था, मैं इंश्योरेंस बेचा करता था, 200 लोग वहाँ पे काम करते थे और वो 200 लोगों को मैं ट्रेन भी किया करता था कि कैसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। आज वो 200 लोग मेरे साथ नहीं है, उनको मैंने ट्रेनिंग दी, उन्होंने 1500 का हाइक लिया, दूसरी कंपनी में पहुँच गए, बट अपनी हाइक लेने का 1 रुपया भी मुझे हिस्सा नहीं दिया। पर यहाँ पे अगर मैं किसी को ट्रेन कर देता हूँ और किसी को अपने पैरों पे खड़ा कर लेता हूँ, वो अपने लिए भी काम करेगा और वो टीम मेरी भी है, वो मेरे लिए भी काम करेगा। तो इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता आप काम करने वाले हाथ बढ़ा रहे। तो जो भी आपको यहाँ पे लेके आया है उसको धन्यवाद दीजिएगा कि आपको इस बिजनेस को देखने समझने का मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से आप इस बिजनेस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और इस बिजनेस में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बिजनेस को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये दो लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, दो लोगों की ज़िंदगी बनाने का बिजनेस है, 1 करोड़ 4 लाख साल लोग तक कमाने का बिजनेस है। और कुछ भी करिएगा, देर मत करिएगा, जो भी डाउट्स हो आप सारे डाउट्स हैं यहीं पे क्लियर करके जाइएगा, क्योंकि अभी ताजमहल आपने देखा है, ताजमहल की खूबसूरती अभी आपको पता है, बाहर अगर किसी ने नहीं देखा अगर उससे आप पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएगा कितना खूबसूरत है ताजमहल। अभी आपने रसगुल्ला खाया, आपको पता है उसका स्वाद कैसा है, जिसने नहीं खाया उससे कैसे स्वाद पूछोगे आप? ये बिजनेस जो है 2 लाख रुपए हफ्ता कमाने का बिजनेस है, जो 2 लाख रुपए महीना नहीं कमा रहा अगर आप उससे पूछोगे तो जिसने 2 लाख रुपए महीने का कमाने का रास्ता नहीं देखा वो आज 2 लाख रुपए हफ्ते कमाने का रास्ता बता पाएगा आपको? तो जितने भी डाउट्स हैं आपको यहीं क्लियर करने होंगे। तो मुझे भी नहीं पता था मेरी टीम में 2 लोग कौन आएंगे, आज 1250 लोगों की टीम का सपने पूरे करने आया था और देखते ही देखते बहुत सारे लोगों के सपने जुड़ गए, लोगों के भी सपने पूरे हो गए, तो मेरे तो जरूर हो जाएंगे।